कहते हैं कि झुकती दुनिया है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। और ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है कनाडा पर। एक ऐसा भी समय था जब भारतीय सरकार कनाडा में रह रहे पाकिस्तानियों द्वारा फैलाए जाने वाले रेफरेंडम 2020 और खालिस्तान के प्रोपेगेंडा पर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करती थी। तब यही कनाडा अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर भारत के खिलाफ ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देता था, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के बीच मनमुटाव हमेशा से बना रहता था। लेकिन भारतीय सरकार कनाडा को अपना रुख साफ करते आई थी कि अगर कनाडा भारत की संप्रभुता का सम्मान नहीं करेगा तो फिर दोनों देशों के संबंध मजबूत नहीं हो पाएंगे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को झटका तब लगा था जब साल 2018 में वो भारत के दौरे पर आए थे। तब उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए भारतीय सरकार ने अपने एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेजा था। ना प्रधानमंत्री मोदी जी खुद गए थे और ना ही उन्होंने अपनी कैबिनेट लेवल का कोई मिनिस्टर भेजा। उस वक्त इस चीज को सारी इंटरनेशनल मीडिया ने कवर भी किया था और लिखा था कि नरेंद्र मोदी कनाडा को लेकर सख्ती से पेश आने वाले हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के इस दौरे पर पूरे परिवार के साथ आए थे और उन्होंने भारतीय पोशाक खुद भी पहनी थी और अपने बच्चों को भी पहनाई थी। लेकिन भारतीय सरकार के आगे उनकी दाल बिल्कुल नहीं गली। उस समय जस्टिन ट्रूडो का वो भारतीय दौरा एक तरह का डिप्लोमेटिक ब्लंडर साबित हुआ था। लेकिन अब उस दौरे के बाद भारत और कनाडा के बीच काफी कुछ बदलने लगा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो एक समय पर कनाडा में खालिस्तानी समर्थक रैलीज में जाकर वहां पर भाषण दिया करते थे, अब साल 2018 के बाद से उन्होंने अपने आप को खालिस्तानी प्रोपेगेंडा और रेफरेंडम से दूर रखा है और वो कई बार कह चुके हैं कि वो और उनकी सरकार आधिकारिक तौर पर इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते और वो कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक मंचों पर भारत के बढ़ते रुतबे को देखकर कनाडा भारत को हर तरह से समर्थन देने की बात करता है और कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो तो प्रधानमंत्री मोदी के आगे अब इस तरह नतमस्तक हो गए कि कुछ कहो ही नहीं। करीब 100 साल पहले वाराणसी के एक मंदिर से माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को चोरी करके कुछ लोगों ने कनाडा पहुंचा दिया था, जो इतने समय से कनाडा में एक आर्ट गैलरी में पड़ी हुई थी। रजीना यूनिवर्सिटी की मैकेंजी आर्ट गैलरी में पड़ी इस मूर्ति को बिल्कुल अवैध तरीके से चोरी करके लिया गया था, जिसके खिलाफ भारत काफी समय से आवाज उठा रहा था और लगातार इसकी घर वापसी की मांग कर रहा था। अब आखिरकार इतने सालों के बाद जाकर कनाडा के प्रशासन ने माता अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के मंदिर में जाकर वापस से स्थापित होगी। माता अन्नपूर्णा की इस मूर्ति की घर वापसी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले कल के अपने मन की बात कार्यक्रम में बताया था। इसी के साथ कनाडा के प्रशासन ने यह भी कहा कि वो इतिहास में की गई गलतियों को सुधारने का काम करने जा रहे हैं ताकि ये मूर्ति अपने सही स्थान पर पहुंच जाए। ब्रिटिश राज और उससे पहले भारत की इस तरह की कई धरोहरों को यहां से चोरी करके विदेश ले जाया गया था, जिनकी घर वापसी पर भारतीय सरकार गंभीरता से काम कर रही है। कनाडा और भारत के रिश्तों की बात करें तो साल 2018 में बड़ा झटका लगने के बाद कनाडा के बर्ताव में काफी सकारात्मकता देखने को मिली है और कनाडा द्वारा माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लौटाना दोनों देशों के बीच अच्छे होते संबंधों को दर्शाता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि भारतीय सरकार जो सीधी उंगली से घी नहीं निकाल पा रही थी उसके लिए उंगली का टेढ़ा करना बिल्कुल सही निर्णय था। वैसे भारतीय सरकार की इस उपलब्धि के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।